हाय ऑल, आज फिर से वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताना था और जो आपसे शेयर करना था, तो सोचा वीडियो बना लेती हूँ। कल भी मैंने नहीं बनाया था, एक्सट्रीमली सॉरी। अब एक दिन गैप कर रही हूँ और जैसे अप्रैल आएगा मैं किसी एक टॉपिक पे शुरू करूँगी, इधर लिवर और किडनी और हर्ट। पीसीओडी मैं ज़रूर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी पहले मैं पीसीओडी कर दूँ और उसके बाद फिर इन सारे टॉपिक्स पे जाऊँ। तो पीसीओडी फॉर श्योर मैं कवर करूँगी, मुझे लगता है दो वीडियोस में पीसीओडी कवर हो जाएगा। और आपके ज़्यादा सवाल आएंगे तो फिर मैं एक और वीडियो कर लूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं एक 23-24 साल के लड़के से मिली जिसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। वो एक हेयर ड्रेसर था, उसके हेयर स्टाइल को देख के मुझे लग गया था। तो जब बातचीत हुई, ऐसे ही मैं कहीं जा रही थी और वो भी था, तो हम दोनों थोड़ा चल रहे थे जैसा मुझे चलना पसंद है। तो मैंने उससे बोला कि तुम क्या करते हो, उसने बोला मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ। एक्चुअली यहाँ के एक बहुत जाने माने सलोन में वो एक आर्ट डायरेक्टर था, मतलब जो जिस तरह से हेयर कलरिंग या फिर यू नो हेयर्स का कुछ ट्रीटमेंट होता है उसमें उसका ज़्यादा रोल था। सो उसने मुझे बोला कि दीदी आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, अभी मैंने छोड़ा है। सो उसे लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जैसा लोग नॉर्मली समझते हैं कि हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स ही काम करते हैं। तो उसने मुझसे बस बोला कि दीदी फिर से लॉकडाउन होगा क्या, कोरोना का क्या हो रहा है। ही वॉज़ फ्रॉम दार्जिलिंग। सो मैंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। उसने बोला दीदी अगर कुछ ऐसा है तो पहले बता दो ना, हम लोग फिर बहुत बुरे फंसेंगे। मैंने कहा क्यों क्या हुआ था। उसने बोला दीदी जून में जब थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा सा ढील दिया था गवर्नमेंट ने, तो हम लोग 56 लोग थे जो दार्जिलिंग जाने वाले थे, क्योंकि अचानक से सलून बंद कर दिया और हम सलून के हॉस्टल्स में रहते हैं। उसकी सैलरी फिर भी थोड़ी ढंग की थी, मगर उसके जो जूनियर्स और दूसरे लोग थे उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो उसने बोला हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो हमें किसी तरीके से दार्जिलिंग जाना था और जाने का कोई साधन नहीं था। फिर उन लोगों ने किसी तरीके से ताम्बरम से, जो यहाँ पे एक जगह है, वहाँ से एक बस ढूंढ के निकाला। उस बस में 56 लोग सवार हुए और वो बस 5.5 दिनों में दार्जिलिंग पहुँचा। और वो बोल रहा था कि हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो करीब 5.5 लाख आया। आई वॉज लाइक तुम लोगों ने कैसे मैनेज किया। उसने बोला दीदी करना पड़ा, हम क्या करते, हम सड़क पर रहते, हम कहाँ रहते, हॉस्टल बंद कर दिया, अचानक से सलून बंद कर दिया और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि, और हम कहाँ जाते हैं, सब कुछ बंद था, हमारे पास कोई चारा नहीं था। सो अगर फिर से लॉकडाउन होने वाला है तो आप प्लीज़ बता दो ना, किसी भी तरीके से कहाँ से पता करें। ही वॉज लाइक बहुत ही परेशान था वो। मैंने कहा देखो अभी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, और अगर अब कुछ ऐसा होगा तो थोड़ा शांत रहो, मुझे जहाँ तक पता है कि अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसने फिर दोबारा पूछा कि दीदी आप लोगों ने वैक्सीन लिया क्या, वैक्सीन का सब कुछ ठीक हो रहा है, हमें वैक्सीन कब लगेगा। मेरे पास कुछ जवाब नहीं था एंड आई वॉज लाइक ऐसे कितने लोग हैं यू नो। और फिर मैंने सोचा लॉकडाउन का एक दूसरा जो मैं सुन रही थी आज तक, मुझे पता था कि लॉकडाउन का कितना बुरा असर हुआ है लोगों पे, मगर जब मैंने उसकी बात सुनी और जो मैं तो आपको बता रही हूँ अपने शब्दों में, जब उसने अपने शब्दों में मुझे बताया तो मुझे सीरियसली लगा कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, है ना। भगवान ने इतना दिया है और इस तरह का भी कुछ आया तो हम लोग अच्छे से गुजर गया, हमारे साथ हम लोगों पे इतना असर नहीं आया, तो वी आर रियली फॉर्चुनेट और हमें तो भगवान को सीरियसली बहुत ही शुक्रिया बोलना चाहिए ना। सो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमारी गलती सिर्फ हमारे लिए गलत नहीं होगा, यू नो हमारी गलती का असर दूसरों पे भी होता है। सो मैं नहीं कह रही कि ज़िंदगी थम जाएगी फिर से, यू नो आप लोग घरों में बंद हो जाइए, मगर हाँ प्रिकॉशंस लीजिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं देख रही थी कि मास्क तो बिल्कुल भी लोग नहीं पहनते और आधे लोग तो मास्क को यहाँ रखते हैं, मतलब यहाँ की जगह मास्क यहाँ होता है, तो वो भी यूज़लेस है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए जो सबसे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और जो अननेसेसरी क्राउड स्पेस है, यू नो प्लेसेस हैं, जो क्लोज प्लेसेस है जहाँ सेंट्रल यू नो एसी होता है, जैसे सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, फूड कोर्ट्स, वहाँ पे जहाँ तक हो सकता है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, डर डर के जीना तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर मुझे ये लगा कि हमारी गलती दूसरों पे भी इम्पैक्ट डालती है और बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। उस लड़की की आंखों में जो मैंने डर देखा और जो परेशानी देखी ना, आज उसने मुझे यू नो अंदर से हिला कर रख दिया और मुझे लगा हम दूसरों के लिए भी ज़िम्मेदार हैं और हमें ये ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में,
प्लीज़ बताएं। सो मार्च में कुछ दिन और, कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। अप्रैल में मैं फॉर श्योर पीसीओडी के पहले 2-3 वीडियोस करूँगी, उसके बाद मैं किसी टॉपिक पे जाऊँगी। सो थोड़ा सा सावधान रहिए, मास्क पहनिए, जहाँ तक हो सके जो क्लोज प्रेमिसेज है, जहाँ सेंट्रल एसी होता है या फिर एसी होता है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर जाते भी हैं तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।